हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लिटरेरी ओशन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लिरिक। लिरिक एक पोएट्री की फॉर्म है जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड लिरिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर व्हिच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ सिंगुलर इमोशन संग ऑन दिस लायर। देखिए, ग्रीक लोगों ने अपने सॉन्ग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, लिरिक और कोरस। लिरिक सिंगल पर्सन के द्वारा गाया जाता था, जबकि कोरस में लोग ग्रुप में गाते थे। लिरिक में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, जबकि कोरस में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे। अब इससे क्लियर होता है कि जो लिरिक है उसका ओरिजिन ग्रीस है। लिरिक हैज़ टू करेक्टरिस्टिक्स मीन्स टू क्वालिटीज। पहला, एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल इमोशन, अर्थात इसमें व्यक्ति अपने सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करता था। और सेकेंडली, इट इज़ अ म्यूजिकल कंपोजिशन। अर्लीस्ट लिरिक्स जो थे वो ग्रीक पोएट्स के द्वारा लिखे गए थे, जिसको इन लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोरिक एंड मोनोडिक। कोरिक दो से ज़्यादा लोग गा सकते थे। इसके ग्रेटेस्ट पोएट थे एसिक्लेस, सोफोक्लीज एंड पिंडार। मोनोडिक वो लिरिक था जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाता था, और इसके फेमस राइटर थे सोफो और एल्केस। इंग्लैंड में लिरिक सबसे पहले थॉमस वायट ने इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस वायट फ्रांस और इटली घूमने गए थे, और वहाँ पर इन्होंने लिरिक की ब्यूटी को देखा कि लिरिक किस प्रकार से लिखी जाती है। काफ़ी इम्प्रेस हुए। जब वापस आए तो इन्होंने कई सारी लिरिक पोएम लिखी। थॉमस वाइट के बाद कई लोगों ने लिरिक्स में हाथ आजमाए, जैसे कि सरी, सिडनी, स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, रॉबर्ट, जॉन डन, हर्बर्ट एंड क्राशा। लेकिन 18 सेंचुरी में किसी भी राइटर्स ने लिरिक्स नहीं लिखी, अर्थात 18 सेंचुरी में यदि हम लिरिक्स देखेंगे तो डिसअपियर हो चुका था। हालांकि जब 19 सेंचुरी आई, अर्थात रोमांटिक एज आया, तो बहुत से फेमस राइटर जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, बायरन, पीबी शैली, जॉन कीट्स, इन लोगों ने लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया। इस टाइम के सबसे फेमस लिरिक राइटर थे पीबी शैली। इसके बाद विक्टोरियन एज में एल्फ्रेड लॉर्डटेंसन ने, स्विनबर्न ने लिखा, और मॉडर्न एज में रॉबर्ट ब्रीच, रॉबर्ट ग्रोव्स, डब्ल्यू बीट्स ने भी काफ़ी अच्छी लिरिक पोएम्स लिखी। अब यदि इसके सब्जेक्ट मैटर पर बात करें तो लिरिक सिंगल इमोशन और फीलिंग पर बेस्ड होती है। यह दिमाग से ज़्यादा दिल पर लगती है, यह सिंगल आइडिया पर बेस्ड होती है। लिरिक पोएट के खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करती है, इसलिए यह पोएम सब्जेक्टिव होती है। अब यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली कुछ लाइन्स इमोशन को प्रेजेंट करती हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें थॉट डेवलप होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है उसमें राइटर रीज़न को एक्सप्रेस करता है, अर्थात जो उसका बेसिक मूड होता है उसको एक्सप्रेस करता है। एंड एट लास्ट इसमें जो मीटर यूज होते हैं वो एम्बिक, ट्रोकैक, फैरिक, एनापेस्टिक, डैक्टिलिक, स्पॉन्डिक आदि मीटर यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिरिक है क्या, बेसिकली इसके क्या फॉर्म्स होते हैं, कैसे लिखी जाती है। तो आपको नेक्स्ट यदि कोई फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं।